ખાસ કાદરીનો નવાસી ફાંસી દીધો છે. સાની સુધા એમ કે નહીં બેવફાઈ કી ઇંતહા હૈ. इसमें पता ही नहीं कि कितना थोड़े टाइम का इंतजार है. बंदा ठीक नहीं है, साढ़े कहा सारी लकीर फिर गई. खास आदमी है ये मेरे पहले पता थी, लेकिन इन बेवफाई नहीं की. दो बजे नौ बजे आता है, दो घंटे मरी मरे पास चले जाते हैं. મૂસા સાહેબ તુસી નહીં કોઈ કેમેરા રખે દા કે મૂસા રાજે નું કહે રહે તુસી કોઈ કેમેરા નહીં રખ્યા. અચ્છા ઠીક. જરા દેખ લો ના, ઉનું સમજા દો થોડા બસ. એ નવા મુંડે રખે ને, ઓ પુરાણે મુંડે ફરક હો ગયે ને સરકારી સારે. ગુલાબ કે ઓ કે આ તેરા છોટુ ઇન કે ગુલાબ મેરા તેરા કરન કે ના બાદ લગા ના સલા ના જી કે ના એ વરા સબ એના મિસ જા દે ને બચે ના લેન દોનો એ દોનો નહે રખે. એ બલાલ તે એદા ના કી હે બહુ નો રખા ના. દો મિનિટ રહે ગયા જી, યે કુર્સી ઉઠા દે. અભી દો મિનિટ હૈ ઇધર, યે લેકે આના સ્પીકર ભી ભાઈ. યે સોફા નજર ના આયે ના પીછે કર દો ના ઉઠા કે. બિલકુલ ठीक है जी, शुरू करें. हो गए 5 मिनट, 4 मिनट हुए हैं जी. मिनट खैर है. બસ અબ કોઈ હિલે શિલે ના જી. બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. હમ પહેલી દફા અપને ઇસ મીડિયા સેન્ટર મેં આપકો દાવત દી હૈ, ઓર ખાસ તૌર પર ઇસલિયે કે બાઝ લોગ સમજ રહે હૈ મેં સારી જિંદગી 27વીં રોઝા રસૂલ કે અંદર ગુઝારી હૈ, ઓર ઉન ખુશ નસીબ લોગો મેં સે હું જિન્હોને ખાના કાબા કી છત પે ભી નમાઝ પઢી હૈ. આશ કે રસૂલ ભી હું, ખતમે નબુવત કા સપાહી ભી હું,
लेकिन ऐसा तासर दे रहा है, दिया जा रहा है, जैसे मैं तो 20 दिन पहले गया था, मैंने इनसे हमदर्दी की, मैंने इनको बताया भाई आपके ख़िलाफ़ बड़ी नफ़रत है और हर माँ मेरा माथा चूम रही है, हाथ चूम रही है और कह रही है कि शेख रशीद तूने गद्दारी नहीं की, तूने रावलपिंडी की लाज रखी। हर माँ ने मेरा माथा चूमा। मैंने इनको बताया कि तुम्हारे ख़िलाफ़ बड़ी नफ़रत है और मुमताज़ कादरी को आपने फांसी दी और मैं लिखूंगा सारी सूरत हाल। अब तो मैं फारिग हूँ, मैं तो एक नाला लई की वजह से वहाँ फंसा हुआ था, वरना 16 वजारतें मैंने कर ली, मेरा जी तो भरा हुआ था। मैं इस तरह तो नहीं था कि बाप भी फर्द जुर्म में है और वजीर आजम है, बेटा भी फर्द जुर्म में है और वजीर आला है। अगर दुनिया में किसी जगह ऐसा साबित हो कि बाप पे भी फर्द जुर्म लगने की डेट ले रहा हो और वजीर आजम हो और बेटा भी वजीर आला हो और फर्द जुर्म से भाग रहा हो, मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। अगर दुनिया में ऐसा कोई केस, जब से जमहूरियत वजूद में आई है, हजारों सालों से जमहूरियत जब से वजूद में आई है, इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी चोर बाजारी, इतनी बड़ी मुनाफकत, इतनी बड़ी कॉन्स्परेसी, इतनी बड़ी मदाखलत और इतना बड़ा धोखा अवाम के साथ कहीं नहीं हुआ। और मैं आज वाकई पेशन गोई करने जा रहा हूँ, दुनिया के जिस मुल्क में ये जाएंगे वहाँ इनको गंदे अंडे पड़ेंगे और टमाटर पड़ेंगे, फिर ये कहेंगे शेख रशीद ने ये कहा था जी, इसने प्लान किया था। मैं तो 20 दिन पहले गया था जनाब और मैं सूरत हाल समझ गया था। पता नहीं आपके लिए रोज़ा रसूल खुला भी कि नहीं खुला, मुझे नहीं पता। मैं रोज़ा रसूल की बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछली 27वीं में रोज़ा रसूल में था और मैं आगे चला गया, इस दफ़ा पहले ही चला गया 20 दिन पहले। और इन्होंने जो शोर मचाया हुआ है भाई, ना डीजल मिल रहा है, 10-12 रुपए चीनी महंगी आपने कर दी है, घी 15 रुपए महंगा कर दिया है, ये सारे इल्जामात जो हम पे लगते थे अल्लाह की शान देखे इन पर लगने शुरू हो गए। ये हमें कहते थे सिलेक्टेड है जी, हम अब इनको कहते हैं जनाब अली ये सिलेक्टेड भी हैं और इम्पोर्टेड भी हैं। इम्पोर्टेड इतनी बड़ी गाली पॉपुलर हो गई है, इतनी बड़ी पॉपुलर हो गई है कि सिलेक्टेड ये हमें कहते थे, हम कहते थे इलेक्शन कराओ, हम कहते थे इलेक्शन कराओ। मैंने कहा है कि मई का महीना है, मैं कल से शुरू हो रहा है, मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ, इसमें से सियासत निकलेगी। ये नहीं हो सकता कि मुल्क में अफरा तफरी है, मुल्क में सरासीमगी है, मुल्क में नफरत है एक दूसरे के खिलाफ, तश्वीशनाक सूरत हाल है, खौफनाक सूरत हाल है मुल्क की, और इस पर खामोश तमाशाई बना रहा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी तश्वीशनाक सूरत हाल में खामोश तमाशाई बना रहा है। ये जो दाता दरबार में 18 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, ये जो दाता दरबारी तावीज़ से इकट्ठी हुई हैं और दो वोटों की अक्सरियत से जो बनी है और जो मुनहरफ हैं पंजाब में, अगर उनका फैसला हो जाता है कि ये डिसक्वालीफाई हैं तो ये और बड़ा फड्डा पड़ जाएगा। अगर ये डिसक्वालीफिकेशन का फड्डा पड़ जाता है पंजाब में जो 22 हैं या 20 हैं या 26 हैं, तो ये एक और नया कट्टा खुल जाता है इस मुल्क में। इस मुल्क की सियासी सूरत हाल को शदीद किस्म के खतरात हैं, इसलिए मैं सारे अदारों से अपील करता हूँ। पाक फ़ौज अजीम फ़ौज है, इसका एहतराम होना चाहिए। पाक फ़ौज ने इस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। पाक फ़ौज का जवान आज भी जान दे रहा है। पाक फ़ौज का जवान जो है वो पाकिस्तान की सरहदों का भी ज़ामिन है और पाकिस्तान के चौक और चुराहे का भी ज़ामिन है। और अगर एक साजिश के तहत पाकिस्तान के फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की जाए तो शेख रशीद को ये कबूल नहीं है। मैं पल्स दे रहा हूँ महल्ले की, गली की, कूचे की तमाम लोगों को कि ये बड़े चालू लोग हैं, सियासतदान बड़े चालाक होते हैं। इन्होंने कोई 14 मरतबा गालियाँ दी लंदन से बैठ के और गुजरांवाला और शेखुपुरा से फ़ौज को नवाज शरीफ ने, और 14 मरतबा ही शहबाज शरीफ ने बूट्स चाटे हैं, बूट पॉलिश की है। मैं जब कहता था कि शीन निकलेगी, आप लोग सारे मेरा मजाक उड़ाते थे, कहाँ है नून?
और एक ऐसी चापलूस जमात निकलेगी, एक ऐसी चापलूस बूट पालशिया पार्टी निकलेगी कि जो ये कहते थे जनाब अली हम तो यहाँ बिजली को हमने आम कर देंगे, लोड शेडिंग सबके सामने है, मेरे महल्ले के दर्जी कपड़े नहीं दे रहे, कह रहे जी के बिजली नहीं आ रही, चीनी वाला यूटिलिटी स्टोरों के हालात देख लें इतने अबतर हैं, कोई मसला नहीं। और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ मैं आशिक़ रसूल हूँ, रोज़ा रसूल पर जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी शक्ल से लोगों को नफ़रत है। अब ये पांच शक्लें जहाँ आदमी देखता है उसको गुस्सा आ जाता है, ये पांच शक्लें जो है गैंग ऑफ फाइव की जहाँ देखता है, और मैं पेशन गोई कर चुका हूँ इन पांचों शक्लों की, जब ये लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, जहाँ जाएंगे, अगर इनको गंदे अंडे ना पड़े, अगर इनको टमाटर ना पड़े, तो आप मुझे पकड़ लें, इस मुल्क का जमहूरियत सवा नेज़े पे खड़ी है। और इसी महीने में फैसला होना है जनाब, अगर एक दफ़ा कॉल हो गई तो फिर कॉल कौन संभाल सकता है, फिर कॉल कोई नहीं संभाल सकता। और मुझे हैरानगी है कि आज हमज़ा शहबाज ने भी मेरे बारे में बात की है, चलो एक वो करता राना सनौरला, उसका तो मैं नोटिस ही नहीं लेता, अपनी तौहीन समझता हूँ, हमला औरतों को, जो बहनों और बेटियों को जो हमारी थी तंजीम मिनहाजुल कुरान पे गोलियां मारने वाले, अगर ये समझते हैं कि मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो भाई मेरी जितनी पाकिस्तान के सारे सियासतदानों ने कैद काटी है, मैंने अकेले ने काटी है। और मैं तो लिखना चाहता हूँ, आप पछताएंगे मुझे बड़ा लीडर ना बनाए, मैं बड़ा लीडर नहीं बनना चाहता, मैं तो नाला लई के साथ रिटायर हो रहा था, पिछली दफ़ा भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, आपने कहा कि ये अगला इलेक्शन, अब क्योंकि इमरान खान पे बुरा वक्त है, इमरान खान को ऐसे वक्त में छोड़ना, मेरा शहर इसको गद्दारी समझता है, बेशर्मी समझता है, और मेरा शहर समझता है कि शेख रशीद जो आप दस्तबरदार हो रहे थे, जो आप क्या कहते हैं उसको रिटायर हो रहे थे, अभी नहीं होना, तो फिर ज़ाहिर है अगर अभी नहीं होना तो फिर खान ने कहना इलेक्शन भी लड़ना, फिर मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ जाएगा। सनाउल्लाह कादरी साहब, मैं कभी आपका नोटिस लेना अपनी तौहीन समझता हूँ, मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। और हमज़ा शहबाज साहब, आप बच्चों की तरह इस मुल्क में जो खेल खेला जाने वाला है, अगर आप समझते हैं, आप भी ट्रैप हो गए हैं, फिर कह रहा हूँ आप भी ट्रैप हो गए हैं, कहाँ गई आपकी मकबूलियत, आप भी ट्रैप हो गए हैं। और जो सलूक, जो बातें हमारे बारे में लोग करते थे, वो लोग आज आपके बारे में कर रहे हैं, आपने नज़र नहीं आना। अगर इमरान खान नहीं है तो फिर आप भी नहीं हैं, फिर रहेगा नाम अल्लाह का, होगा वो जो अल्लाह को मंजूर है। आपने काफ़ी चापलूसियाँ करके देख ली हैं, बूट पॉलिश करके देख ली हैं, ये बूट पॉलिश काम नहीं आएंगे। हर घर में इस वक्त, हर घर में पाकिस्तान, डेंटर है, पेंटर है, वेल्डर है, फौजी है, मकैनिक है, दर्जी है, धोबी है, सहाफ़ी है, ट्रेडर है, छोटा दुकानदार है, हर आदमी ये समझता है, खास का तल्लक अदारों से ही क्यों ना हो, उनके घरों में समझा जाता है कि इमरान खान से ज्यादती हुई है। सो इमरान खान के साथ खड़े हैं जी, हमारी ख्वाहिश है कि हालात बेहतर हो जाएं, तमाम अदारों से हालात बेहतर हो जाएं, तमाम अदारों से, हमारा हमारी पाकिस्तान के किसी अदारे से लड़ाई नहीं है। और क्या फ़र्क है कॉन्स्परेसी में और मुदाखलत में, मैं तो उर्दू मीडियम वाला हूँ, मैं तो कॉन्स्परेसी वो समझता हूँ जो दो आदमियों के दरमियान या चार के दरमियान होती है, मुदाखलत मैं समझता हूँ जो मुल्क के ख़िलाफ़ होती है। और मैंने DGISPR साहब के ब्रिगेडियर साहब से कहा था, हुजूर मुदाखलत ज़्यादा डेंजरस है, कॉन्स्परेसी इतनी डेंजरस नहीं है। और हम अपनी पाक फौज के साथ भी खड़े हैं, और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज है खड़े हो, लेकिन जो इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है, जिस तरह उसको दीवार के साथ लगाया गया है, उसको तनहा छोड़ना भी बददियानती है, उसको भी तनहा छोड़ना जो है
वो बेशर्मी है और मेरा सारा शहर जो है इस बात पर मेरे साथ है कि मैं ऐसे कड़े वक्त में इमरान खान के साथ हूँ। और जो लोग मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये हकीकत है कि अगर मुझे टाइम मिला, अगर इन पागलों ने मुझे लीडर बनाने के लिए जो धमकियां मुझे दे रहे हैं, तो फिर मैं असल सूरत हाल सारी लिखूंगा। ये जो क्या नाम है, जिन्होंने मुमताज़ कादरी को फांसी लगाई, मुमताज़ कादरी की शहादत के जो ज़िम्मेदार हैं और किन हालात से वो गुजरे हालात, ये सब लिखूंगा। क्योंकि आगे एक मेरी किताब के 2 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आ गया, मुझे नहीं पता था इतनी बिकेगी। तो अब मैं लिखूंगा तो शायद जेल से लिखूं तो 10 करोड़ आ जाए। देर ना करो, जल्दी करो। मैं बुजदिल आदमी नहीं हूं, सारे कान खोल के सुन लो। जेल मेरी ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है और मेरी छाती शहादत के जज्बे से सरशार है। और मैं इस्लाम का सिपाही हूं, नामूस रसालत का सिपाही हूं। और जो ये बकवास बंद कर दें तो आप उनको मेहरबानी होगी। और खड़ा रहूंगा चट्टान की तरह इमरान खान के साथ। इस वक्त इमरान खान को छोड़ना बददियानती है। सवाल देखें, मैं पिंडी को कभी मैंने नहीं छोड़ा। फौज के साथ मेरे तल्लुकात थे, हैं और रहेंगे सारी जिंदगी। मुझे अपनी फौज पे फख्र है, पर मैं इमरान खान के साथ सियासत में खड़ा हूँ अब। और मैंने उनको बताया कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, उनसे भी धोखा नहीं किया। क्योंकि बाजवा साहब भी मेरे बहुत जूनियर कॉलेज फेलो हैं, मैं तो हॉस्टल में 6थी-4थी मंजिल में होता था जब वो आए। सो मैंने किसी को धोखे में नहीं रखा, ना इमरान खान को रखा, ना अपने अदारों को रखा। अदारों को कहा कि उम्र के इस हिस्से में आ चुका हूँ कि इस वक्त इमरान खान को छोड़ना जो होगा ना, वो बदनामी। फौज के साथ हूँ सारी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी फ़ौज के साथ अच्छे तल्लुकात थे, हैं और रखूँगा। अब भी सुलह चाहता हूँ फ़ौज के साथ, लेकिन इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। जो कॉल वो देगा उसकी कॉल पे पहुँचूँगा। 28 तारीख को मैं कमेटी चौक पे पहुँचा था, बहुत सारे लोग नहीं पहुँचे। आखिरी सवाल था मड़ा दादा, आखिरी सवाल जी जी। मैंने ऐसी कोई बात, मैंने कहा मैं ही अहम है, मैं कायम हूँ, मैं कभी सुप्रीम कोर्ट को टच नहीं करता, मैं शेख हूँ, मुझे पता है। और बंदयाल साहब के वालद से मेरे तल्लुकात थे, बंदयाल साहब एक अजीम जज है और उनके वालद मेरे शहर के कमिश्नर थे, फतेह खान बंदयाल। सो मुझे आप बेवकूफ़ समझते हैं। मैं फौजियों के ना मैं फौजियों के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं जजों के ख़िलाफ़ हूँ। दोनों अजीज़ हैं, इमरान खान मुल्क का सिपाही है। और अभी उससे मिल के आ रहा हूँ, 2 घंटे की मीटिंग में शामिल था। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे फ़ौज को, फ़ौज के नाम को या मुल्क को नुकसान पहुँचे। देखें, अल्लाह ताला वो मुकद्दर का सिकंदर है इमरान खान। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना मकबूल हो जाएगा कि मैं रोज़ा रसूल में जाऊंगा कि लोग मेरे हाथ चूमेंगे। मैं तो गुनाहगार आदमी हूं, मेरे जिस्म के अंदर से रोज़ा रसूल की खुशबू है। इस मुल्क में 5 या 6 आदमी है जिन्होंने खाना काबा की छत पर नमाज़ पढ़ी है। और गल्फ़ वार में मैं सारा दिन खाना काबा के अंदर रहता था। ये पता नहीं रोज़ा रसूल में गए हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि वो इमरान खान जिस पर मेरे समेत हल्के में बड़े मसाइल थे, लोगों ने टर्न ले लिया। और जिस दिन इमरान खान काल देगा, यहाँ समुंदर होगा और मुझे उम्मीद है कि मई देगा। हाँ, ये मेरे मुझे पता है फतवा, ये फतवा मुझे पता है, उलमा ने कहा दिया है ये फतवा। लेकिन अल्लाह ने मैंने नमाज पढ़ी है वहाँ 4 रकत, फतवा मुझे पता है। उलमा समझ कहते हैं मुझे कि ये नमाज नहीं हुई, ये पता मुझे। छोटा सा सवाल करें, इस बार क्या
ये 126 दिन की लड़ाई नहीं है भाई, ये 26 दिनों की भी लड़ाई नहीं, ये आर पार होगी, या हम नहीं या वो नहीं। तशद्दुद की तरफ तो हम जाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर अवाम का समंदर निकल आया तो लोग अंधे नहीं हैं, सारी कौम पाक फौज के पीछे है, कौम को नाराज नहीं करना इलेक्शन 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 और फौज को क्या कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ है कि इलेक्शन कोई जुर्म ये मुतालबा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे इनको हटाओ, हम ये कह रहे हैं इलेक्शन जल्दी करा दो, ये इमरान खान की डिमांड है और फौज को इन सारी पार्टियों को इस मसले पर टेबल पर लाना चाहिए। जी सकी देखें, मैं तो इलेक्शन को बड़ी ईद के इर्द गिर्द होते देख रहा हूँ, ये तो कहेंगे कि हमें 1.5 साल गुजारने दिए जाए, अगर इनका इनको जितना टाइम मिला उतने ख़राब होंगे। इमरान खान तो 30% गंदम का रेट कम करा रहा था, गैस का कम करा रहा था, पेट्रोल का करा रहा था, ये IMF से बढ़वाने जा रहे हैं, ये रसुवा हो जाएंगे। आप ये देखें जितने खौफनाक हालात में हम थे आज से 2-4 महीने पहले, उसी खौफनाक हालात में ये जा रहे हैं। अल्लाह ने हमारे साथ नेकी कर दी है, कोई नेकी काम आ गई है। देखे फौज, मैंने ये नहीं कहा लड़ाई, मैंने कहा कि मैं पाक फौज के साथ हूँ, पाक फौज अजीम फौज है, पाक फौज ने पाकिस्तान के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन वो सारे समझदार लोग हैं, अकल रखते हैं, उनको समझ है कौम चाहती है कि एक फेयर इलेक्शन हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाक फौज के साथ हूँ तो मैं ऐसे मौके पर इमरान खान का साथ, मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ चाहे मैं मारा जाऊँ, और इस गंदे आदमी से तो नहीं मैं मारा जाता, इस चमगादड़ की शक्ल वाले से तो नहीं मारा जाता। मैंने आज उनसे अर्ज किया कि आप ना जाएं, लेकिन वो बादशाह हैं, वो मैंने उनसे अर्ज किया। थैंक खान का लास्ट सवाल होता है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बुरी मैंने पेशन गोई की है, दुनिया में ये जहाँ जाएंगे इन्हें गंडे अंडे पड़ेंगे, टमाटर पड़ेंगे। इवन फील्ड में जहाँ नवाज शरीफ रहता है उसके इर्द गिर्द लोगों ने दरख्वास्त दी है थाने जाके कि जो बंदा यहाँ से गुजरता है वो चोर चोर के नारे लगा के जाता है, और अब आप देखें उसके दोनों बेटे शाही महल जो सऊदी अरब के फरमा रवा से अजीम फरमा, सऊदी अरब से हमारा रिश्ता खून का और चीन से भी, उसकी मीटिंग में जो दोनों बच्चे बैठे हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने तो हलफ ही नहीं उठाया हुआ। जिन लोगों को उम्र कैद हुई हुई है उनको इन्होंने एफेड्रीन वालों को उम्र कैद वालों को फेडरल मिनिस्टर के बराबर ओहदा दिया है, ये फंसने जा रहे हैं। वो नवाज शरीफ के दोनों बेटे उस मीटिंग में बैठ नहीं सकते, ये कानूनी तौर पर जुर्म है, इसके लिए हलफ उठाना जरूरी है। खान साहब द लास्ट क्वेश्चन था, इंशाअल्लाह ताला वो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और मैं इमरान खान को लाने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे हालात पे आ जाओ जाए कि इमरान खान दोबारा आ जाए। थैंक यू। कोशिश ही है, फिर